नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया थर्ड ग्रेड के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 48,000 पदों पर होगी भर्ती। लेवल दो के 1500 पद बढ़े हैं यानी बढ़ाए गए हैं, पर परीक्षा खिसकी यानी परीक्षा की तारीख खिसक गई है। 4 और 5 फरवरी को परीक्षा होनी थी, वो आगे खिसक गई है। पूरी जानकारी को देखते हैं, क्या है डिटेल्स से बात करते हैं अपन। ये अखबार की कटिंग है बीकानेर से। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए सब्र कर रहे प्रदेश के 8 लाख अभ्यर्थियों को जल्द ही इसका मीठा फल मिलेगा। फरवरी में प्रस्तावित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार ने लेवल दो के 1500 पदों में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। अब शिक्षक भर्ती 46,500 की जगह 48,000 पदों पर होगी। 8 लाख के पास पात्रता, लेवल एक के अंदर 2,03,609 पात्र और लेवल दो के अंदर 6,03,228 पात्र है। 48,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। बीएड और रीट पात्रताधारी अभ्यर्थी लंबे समय से लेवल सेकेंड के पदों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उधर पदों में बढ़ोतरी की मंजूरी मिलने के साथ ही शिक्षा निर्देशालय ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को अभ्यर्थना भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी। शिक्षा निर्देशालय की ओर से मंगलवार तक अभ्यर्थना भिजवा दी जाएगी। अब जिस दिन शिक्षक भर्ती होनी थी उस दिन सीईटी यानी राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि आगे खिसका दी है। इस परीक्षा के लिए तय की गई तिथि 4 और 5 फरवरी को अब सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा होगी। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में सीईटी के लिए तय तिथि या फिर अप्रैल मई में होने की संभावना है। बोर्ड ने सोमवार को फरवरी में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के कार्यक्रम को रीशेड्यूल किया है। इसके अनुसार अब 4, 5 और 11 फरवरी को सीईटी यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए 16 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। इसके बाद 19 फरवरी को सीएचओ भर्ती परीक्षा होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा बोले, अगर शिक्षा विभाग से समय से शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थना आ जाती है तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में भर्ती परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। अगर इसमें देरी होती है तो परीक्षा फरवरी में कराना संभव नहीं होगा। कुल मिला के स्थिति साफ है कि अभ्यर्थना 1 या 2 दिन में यानी आजकल में आने वाली है और आपके फरवरी अंतिम सप्ताह में रीट यानी थर्ड ग्रेड का रीट मेंस का एग्जाम संभव है। रीट मेंस थर्ड ग्रेड वालों के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं कि 46,500 पदों से बढ़ाकर 48,000 पद किए गए हैं यानी 1500 पद बढ़ाए गए। खुशखबरी तब होती जब ये 52,500 पद यानी पूरे 6,000 पद बढ़ाए जाते, तो अभी फिलहाल 1500 पद ही बढ़ाए गए हैं। और अभ्यर्थना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड को इस सप्ताह में भेज देगा, तो उसके बाद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। विज्ञप्ति जारी होने के बाद आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की पूरी संभावना बनती है। तो अपनी तैयारी को विराम न देते हुए लगातार तैयारी करते रहे, क्योंकि अगर आपने बीच में अपनी तैयारी को विराम दे दिया, अंतिम समय में जब परीक्षा की तिथि आएगी तो आप पूरा सिलेबस समेट नहीं पाओगे और हड़बड़ाहट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज ना हो, एक बार और सिलेबस को रिवीजन करें यानी सारी किताबें एक बार और रिवाइज करें, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को उधार मिलेगी और आपकी थर्ड ग्रेड एग्जाम में अच्छी रैंक आएगी। तो अच्छी रैंक के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।